वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत्यकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ गार्गी क्लासेस के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया और एक्सप्लेनेशन पेज के डिस्कशन पे। आज डेट है 10 फेब 2024। आज आर्टिकल्स काफ़ी आए हैं। आज एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल है लेकिन आइडिया पेज पे 3 आर्टिकल्स हैं, है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। और एक डेटा आया है पॉलीगैमी का आपका एक्सप्लेनेशन पेज पे, और एक्सप्लेनेशन पेज और आइडिया पेज पे सेम एक आर्टिकल है भारत रत्न पे, तो इसको हम इन कंबाइन करके ही डिस्कस करेंगे। और अगर आज ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल जितने भी है ना थोड़े इंपॉर्टेंट्स हैं, तो अगर कोई एक आध आर्टिकल रह जाएगा तो हम कल डिस्कस कर लेंगे या आने वाले आर्टिकल मंडे को हम ऐड करके डिस्कस कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे शुरू करते हैं हम कोट से कि वॉट एवर अफेक्ट्स वन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल इनडायरेक्टली। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है ये, या फिर इनको बोलते हैं जूनियर मार्टिन किंग लूथर। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक कोट आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम ले लें सोशल मीडिया का, हम ये मानते हैं कि सोशल मीडिया हमारे इंडिया या फिर ग्लोबली जो है यंगस्टर्स को, स्पेशली जो 16 से लेकर 22 या 22-23 के एज तक के जो जनरेशन है, एज के जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये थोड़ा सोचते हैं कि हाँ चलो बच्चे हैं इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन मानो ना मानो ये वाली जो पॉपुलेशन है, ये वाली 16 to 20-22 वाली, इनको अगर डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये होल इकोनॉमी, होल सोसाइटी को इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगी, ठीक है। एक एज अ एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं इसको, तो आप इसको अच्छे से कहीं भी कोट कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा कोट है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल। देखिए आज ये एडिटोरियल पेज पे, चाहे बीना अग्रवाल जी का है या फिर यहाँ पे ये है लेट देम लाइव का, ये क्या है, अभी हमने कल परसों में यूसीसी बिल के बारे में डिस्कशन किया था कि उत्तराखंड जो है स्टेट असेंबली में यूसीसी बिल को लेके आए गए, तो उसी के बारे में है ये दोनों आर्टिकल्स। तो मुझे नहीं लगता इसको डिस्कस इतना करना चाहिए, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको रीड करना है तो आपको PDF मिल जाएगा, मुझे कुछ खास इसमें नया दिखा नहीं, बाकी वही है सेम हर रिलीजन के बारे में कि उनके जो रिलीजन है वो क्या कहता है, अब UCC क्या कह रहा है, सेम वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो खैर, अब जो इसमें एक नया आर्टिकल मुझे जो मिला था वो है BIT इन पीस। इसमें देखिए क्या है आर्टिकल, अभी देखिए BIT मॉडल है एक बायलिटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है। इस बार क्या हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट बजट में फिनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि भैया अब आने वाले टाइम पे हम ना नेगोशिएट को बढ़ाएंगे, किसका, बायलिटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। पहले मैं बता देती हूँ बायलिटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होती है ना, ये दो देशों के बीच में, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया UK हो गया, इंडिया चाइना हो गया, इंडिया बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, या किसी और दो कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएट करना फॉर द ट्रेड के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपस में जो कंट्री हैं वो आपस में कुछ कंडीशंस रखती हैं कि सोवरेनिटी को क्रॉस ना करें, या फिर हम जो है उस ट्रीटी के अंदर या जो बायलेटरल ट्रीटी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें हम बायर्स ना हो, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली इसका मोटिव क्या होता है, एक दूसरे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ठीक है। तो अब बात क्या है भैया, पहले इंडिया के पास ना BIT था, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है, सिंपल सा BIT। लेकिन 2016 के बाद से इस जो NDA की गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया, मॉडल BIT को अडॉप्ट किया 2016 के बाद। एक्चुअली ना ये माना जा रहा है कि जो मॉडल BIT आपने अडॉप्ट किया ना 2016 के बाद, उसका रिजल्ट इतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा गवर्नमेंट का कंसर्न है, इसलिए इन्होंने ये बोला है कि हम वापस एक बार बायलेटरल ट्रीटी जो है पुराने वाले मॉडल को ही लेकर चलेंगे। तो हम थोड़ा आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, राइटर बता रहे हैं कि BIT क्या है। देखिए BIT जो है ये एग्रीमेंट है बिटवीन टू कंट्रीज़ के बीच में, रेसिप्रोकल प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है दो कंट्रीज़ के टेरिटरीज़ के बीच में इंडिविजुअल और कंपनीज़ के लिए। BIT जो मॉडल है ना, ये पहले 90s में चला करता था, इंडिया 90s में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये क्या करता था, फेवरेबल कंडीशंस एंड ट्रीटी बेस्ड प्रोटेक्शन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट्स था। जैसे इसके अंदर क्या होता था ना, देखिए इसके अंदर क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल के ले लीजिए इंडिया और UK का ले लीजिए, ठीक है। अब BIT दोनों के बीच में बायलेटरल जो है साइन हुआ, तो इसमें क्या होता है कि इंडिया को ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना इसकी ड्यूटी है UK के लिए, ताकि वहाँ की कंपनी, कोई भी कंपनी हो गई,
ठीक है, कोई भी कंपनी अगर इंडिया में आती है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको वहाँ के यहाँ इंडिया में इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है थोड़ा उनके लिए उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, आपको पीसफुल इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशंस में प्रॉब्लम्स ना हो, इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग जैसे बाकी लॉ एंड ऑर्डर्स हो गया या टैक्स का हो गया, बाकी सारी चीज़ें आपको उनके फेवरेबल में रखनी पड़ेगी। सेम यूके इंडिया के लिए करेगा, ठीक है। तो ये दो नेशंस के बीच में बायलेटरल इन्वेस्टमेंट था ताकि FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बढ़ सके, ठीक है। तो अब क्या था, द फर्स्ट BIT साइन हुआ था इंडिया और यूके के बीच में 14 मार्च 1994 को, ठीक है। उसके बाद 2010 में पहली बार वापस से BIT इशू में उठा कि इंडिया के ऊपर अगेंस्ट में क्लेम किया है किसने, यूके ने, कि भैया इंडिया ने BIT के जो मॉडल है या BIT के अंडर में जो हम दोनों के बीच में साइन है उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडिया में क्या होता है 2010 तक, जैसे है ना, फॉर एग्जांपल क्या होता है किसी भी कंट्री का ना बाहर की फॉरेन, देखिए एज अ सिटीजन के नाम पे तो हम कई बार क्या कर देते हैं, जैसे कुछ एरिया अंडर डेवलप्ड एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरिया है या फिर वो नेशंस जहाँ नक्सलिज्म ज़्यादा प्रमोटिंग था, फॉर एग्जाम्पल आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन एरियाज़ में क्या होता है आज भी ये चीज़ है कि अगर कोई बाहर की कंपनी आके इंडस्ट्री लगाती है ना तो वहाँ के लोकल लोग दंगे मचा देते हैं क्योंकि उनका लैंड का एक्विजिशन होता है। इसकी गलती सरकार की भी है क्योंकि वहाँ अगर उन लोकल्स लोगों से आप लैंड ले रहे हो तो वहाँ उनका जो है सेटलमेंट रीसेटलमेंट के भी सही से नेगोशिएशन होना चाहिए, उसके अलावा लोकल के लोगों से भी कंसर्न लेनी चाहिए कि वहाँ जो है इस तरीके से इंडस्ट्री आने वाली है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है कि लोकल के साथ गवर्नेंस का ज़्यादा इंटरेक्शन ना होने की वजह से क्या होता है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है वेस्टर्न की कंट्रीज़, वेस्टर्न की जो कंपनीज़ हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। तो क्या होता है कि उसी पे बेसिस पे जो है ना यूके ने क्या करा, केस कर दिया था 2010 पे कि आपको फाइन देना पड़ेगा। और इन बायलेटरल्स के बीच में पता क्या होता है, इन बायलेटरल ट्रीटीज़ में ना देखो कंट्री जब एक दूसरे के अगेंस्ट जाती है ना तो केस भी होता है प्लस इनको फाइन भी भरना पड़ता है, ठीक है। तो अब जैसे सेम ऐसा केस 2011 में उठा था जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में BIT मॉडल को लेकर डिस्प्यूट उठा था, वो था वाइट इंडस्ट्री वर्सेज रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में। तो तब इंडिया को है ना 4.1 बिलियन जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पैसा देना पड़ा था, ठीक है। सेम इसी के साथ जो है ब्रिटिश की एक ऑयल कंपनी थी केयर्न एनर्जी PLC, उसको 1.2 बिलियन का वोट अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट पे लगा दिया था इसने, ठीक है, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट के बेसिस पे। तो इस तरह के इश्यूज है ना बहुत चलते रहती हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि BIT मॉडल को वापस इन्होंने क्या किया कि भैया 2016 में अब इस गवर्नमेंट ने कहा कि अब थोड़ा सा नया मॉड्यूलेशन लेके आते हैं, चेंज करते हैं, जो जो कमियाँ हैं हमारे मॉडल्स में हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो उसको 2016 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस NDA गवर्नमेंट ने मॉडल BIT, ठीक है। उस BIT मॉडल में इन्होंने ये अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट जो है 74 ट्रीटीज़ हो रखी हैं, देखिए बायलेटरल यानी दो देशों के बीच में ऐसे ट्रीटी इंडिया ने 74 कंट्रीज़ के साथ कर रखा है। तो इसने कहा कि हम 68 को जो है टर्मिनेट कर देते हैं और हम वापस से उन कंट्रीज़ के साथ वापस एक नेगोशिएट करेंगे, रिविजिट करेंगे, रिवाइज करेंगे बाकी सभी चीज़ों को, ठीक है। फिर 2016 में ये मॉडल लेके आए गए, लेकिन फिर लेटर ऑन ये देखा गया कि जो नया मॉडल आया है ना इंडिया की तरफ से BIT इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा ऐसा है नी जर्क प्रोटेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घुटने में लग जाता है तो हम कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह इक्विपमेंट लेकर चलते हैं, सेम उसी तरीके से इंडिया ने क्या किया, अपने ट्रेड को, अपने एरिया को, अपनी सोवरेनिटी के में इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगा दिया। जैसे मैं अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे इसमें राइटर ने यूज़ किया फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट एब्सेंट है, मोस्ट फेवरेबल नेशन एब्सेंट है। जैसे फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट यानी ऐसा है कि जैसे इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंडिया यूके और इंडिया रशिया, इंडिया यूके के साथ जब कर रहा है वो फेयरनेस के साथ ट्रेड नहीं करना, लेकिन इंडिया और रशिया के साथ जब ट्रेड कर रहा है तो उसके साथ एक अलग आप इंडल्स दिखाना कि ये मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त है, 30 साल से ज़्यादा दोस्ती है, तो वहाँ आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हो इस जैसी चीज़ें। और इसके अलावा मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, जैसे बायलेटरल नेशंस के अंडर में जो जो लोग ट्रीटी करते हैं ना उनके बीच में आपस में ना एक जैसा व्यवहार करने के लिए बात की जाती है, ठीक है। जैसे फेवर नेशन में फॉर एग्जांपल अब इंडिया यूके और रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया आप ना ऐसा नहीं हो कि रशिया के साथ में साइड बायस मतलब सपोर्टिव ज़्यादा हो, लेकिन यूके के साथ आप ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आवाज़ उठा रहे हो या क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर उनकी चीज़ों को ज़्यादा आप फेवर नहीं कर रहे हो, काइंड ऑफ, ठीक है।
तो ये चीज़ें मानी गई हैं कि 16 के बाद से ना इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं है इंडिया का, ज़्यादा अपना सेल्फ प्रोटेक्शन में। देखिए FDI में क्या होता है ना, कोई भी कंपनी, बाहर की कोई भी कंपनी जब आपके नेशन में आके इन्वेस्ट करती है ना, वो अपना प्रॉफिट लेगी, सीधी बात है, वो अपना प्रॉफिट लेगी। और ये सब चीज़ें एग्रीमेंट्स में होती हैं, इंडिया इसको अप्लाई भी करता है, एग्री भी करता है। फिर उसके बाद अगर आप वो चीज़ें ना लागू होना, तो मतलब ये बात होती है ना कि आप पहले तो राज़ी हुए, फिर उसके बाद जब चीज़ें इंप्लीमेंट होने लगे तो फिर आप अगेंस्ट करने लग गए, क्योंकि वो पॉलिटिकली चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। तो इस चीज़ पे कंसर्न उठाया जाने लगा। फिर इसमें ये बोला जाने लगा कि जो है 2016 के मॉडल में क्या करना है, जो लोकल रेमेडीज़ है, ठीक है, लोकल रेमेडीज़ जो लोकल आर्बिट्रेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बाहर की कोई कंपनी है, ठीक है, अब उसने फॉर एग्जांपल लगा ले उड़ीसा का कोई गांव है, या छत्तीसगढ़ का कोई गांव है, या कोई सिटी है, वहाँ पे उसने कंपनी इस्टेब्लिश करी अपनी, कोई कोक की कंपनी इस्टेब्लिश करी। अब वहाँ पे कोई इशू उठ गया, लैंड का इशू उठ गया, या फिर वहाँ के लोकल ने प्रोटेस्ट कर दिया, या कुछ भी हो, अब वहाँ के अब लोकल पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन कौन करेगा, कंपनी तो बाहर फॉरेन की है, अब स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, प्लस लोकल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो क्या होता है, इंडिया में क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट होने में बहुत टाइम लगता है ना। तो इसी में ये कह रहे हैं कि लोकल रेमेडीज़ को बहुत, जो टास्क है, जो देखता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सुधारने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक, ताकि जो है जो FDI है वो बढ़ सके। देखिए ये बात तो सच है कि इंडिया के अंदर जो लॉ हो, चाहे जो जुडिशरी हो, या लोकल लेवल पे, या आप सुप्रीम कोर्ट तक है, चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म लेती हैं। उसका भी रीज़न है, केसेस पेंडिंग है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और वैकेंसीज कम है, ठीक है, सीट्स नहीं है उतने सारे, चाहे वो जुडिशरी में हो, डॉक्टर में हो, किसी में हो, है ना, टाइम लगता है। लेकिन फॉरेन कंपनी इतना वेट नहीं करेगी ना भाई, आपके अलावा और भी कंट्रीज़ है उसके पास अपॉर्चुनिटी, वो क्यों वेट करेगी, राइट। तो राइटर ने कहा कि इस पर हमें जो है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए राइटर एक ना डेटा दिखा रहे हैं कि ना हमारा FDI पहले के कंपैरेटिवली इस BIT मॉडल के बिगड़ने की वजह से हमें कितना इम्पैक्ट देखना पड़ रहा है। जैसे राइटर बता रहे हैं, पहले हमारा जो FDI इक्विटी थी ना, वो 24% थी, वो घट के 20.48 बिलियन लेवल पर पहुंच गई, ठीक है। और सेम चीज़ इन्होंने कहा कि जो हमारा अर्निंग था, ठीक है, इक्विटी फ्लो के साथ जो अर्निंग था ना, वो हमारा था 15%, ठीक है, मतलब पहले था आपका 2022 में 38.94 बिलियन था, वो चीज़ जो है घटकर आपका 32.9 बिलियन हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है घटती जा रही हैं, राइटर ऐसा कंसर्न बता रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि तो इंडिया का 2016 का जो मॉडल है ना, वो UK के साथ जब ट्रेड करता है ना, तो फ्री ट्रेड के साथ वो एग्री नहीं करता। देखिए फ्री ट्रेड के साथ सबसे बड़ा जो जुमला है ना, वो पता क्या है, अब सामने वाली कंट्री के साथ अगर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल UK के कंट्री के साथ आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होता है कि कंपनी, अब UK की कोई भी कंपनी या कोई भी जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, तो उसको जो है वो इंडिया में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़ा ले लो, कोई मशीन ले लो, और पता चले कि वही सेम कपड़ा या मशीन जो है आपके इंडिया में भी बन रहे हैं ना, तो फ्री ट्रेड की वजह से क्या होगा कि वो लोग जो है अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में यहाँ आके देंगे, ठीक है, इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया को। अब इंडिया की जो लोकल ट्रेडर्स हैं या लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, उसको सबसे ज़्यादा हर्डल फेस करना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से फ्री ट्रेड में जल्दी से इंडिया हाँ नहीं भरता है, है ना। तो ये फेस जो इन्होंने कहा कि UK के साथ 14 बार राउंड नेगोशिएशन होने के बाद भी जो है इंडिया UK के साथ फ्री ट्रेड में एग्री नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो राइटर बता रहे हैं कि इन्हें ना हमें सुधारने की ज़रूरत है, टाइमली इनके डिस्प्यूट सेटलमेंट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। सेम देखिए 2021 में हमारी जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है ना ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्लियामेंट में एक रिकमेंडेशन दी थी कि हमें जो BIT रिजीम के अंदर जो सेटलमेंट डिस्प्यूट को लेकर या नेगोशिएशंस को लेकर जो टाइम लगता है ना, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो भाई अब उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हमें ना लोकल में एक्सपर्टीज को रखना पड़ेगा फील्ड इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन के मामले में। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मुद्दा होता है, लीगली होता है या सिविल के फॉर्म में कोई इशू होता है, तो उसको सुधारने के लिए एक अलग से ट्रैक करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक अलग से लोकल एक्सपर्टीज होने चाहिए, जो इन्वेस्ट कर सके स्टेट डिस्प्यूट के बीच में कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि जो ग्लोबली कंपनीज है उन्हें इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखिए अगर हम इंडिया का
बैंक देखे ना ईज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के बेसिस पे कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट या इन्फोर्स चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो डीलिंग्स होती हैं उसको सही तक पहुँचाने में अगर हम रैंकिंग देखें तो इंडिया बहुत पीछे है, 190 कंट्रीज़ में से 163 लेवल पर रहता है, ठीक है। तो राइटर इसका रिकमेंड कर रहे हैं कि हमें अपने रॉबस्ट इंटरनेशनल ट्रेड स्टेबिलिट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुँचना, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें अपना BIT मॉडल जो है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जो FDI है, वो सस्टेन रह सके, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा सके, ताकि आगे जो है काम हो सके। और इसके बाद हमें जो है, एक तो इंडिया है ना काफ़ी जैसे चीज़ों में वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल रख लेता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया के लिए वही है, यूके के लिए वही है, इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड में वही है, तो ऐसा नहीं होता। हर कंट्री अपने पैरामीटर्स, अपने रूल एंड रेगुलेशंस, अपनी सोवरेनिटी के हिसाब से चलती है इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। तो इंडिया को अपने एक्सटर्नल अफेयर्स में जो आपके BIT मॉडल्स को फॉलो करने वाले जो भी गवर्नस लोकल बॉडीज हों या फिर आर्बिट्रेशन हो, उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फिट फॉर नहीं बैठेगा, हमें ईच कंट्री के साथ उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है अपने मॉडल्स में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप आपको ये BIT मॉडल समझ में आया होगा। मेंस पर्सपेक्टिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए बेसिक BIT मॉडल क्या है, ठीक है। खैर, अब नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। हाँ देखिए, अभी ना आपको अभी रिसेंटली आपको पता चला होगा कि बहुत सारे लोगों को है ना ये गवर्नमेंट जो है भारत रत्न का अवार्ड दे रही है ना, तो उसी पे ही संजय राव बारू जी ने आर्टिकल लिखा है। इन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली पीवी नरसिम्हा राव को इन्होंने अनाउंस किया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए 1991 में वो PM थे, उन्हें 33 साल तक वेट करना पड़ गया इस भारत रत्न को लेने के लिए। तो एक्चुअल में ये आर्टिकल पूरा गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म पे है, क्योंकि राइटर मानते हैं ऐसा कि जो गवर्नमेंट अभी अवार्ड्स दे रही है ना, पूरा पॉलिटिकली फंडा है, एजेंडा है इन्फ्लुएंस करने का। वरना तो इतने सारे लोग हैं जिनको दिया गया था, पहली बात तो एक क्वेश्चन उठाते हैं कि जिन लोगों को दिया जा रहा है कि उन लोगों ने काम क्या किया, पहली बात। दूसरी बात, पॉलिटिकली दिए जाने वाले अवार्ड्स को थोड़ा सा राइटर जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकली देना मतलब आप पॉलिटिकली एजेंडे को बढ़ा रहे हो। ऊपर से ये भी है कि राइटर का कहना है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन से 2 महीने 1 महीने पहले तुरंत ये रिपोर्ट करना, क्योंकि आपकी पार्टी तो 2014 से है और तब से आपने अनाउंस नहीं किया, ऊपर से अभी रिपब्लिक डे पे था तब भी आपने अनाउंस नहीं किया, तो अचानक से इतने फास्ट, इतनी जल्दी अनाउंसमेंट करना और ऐसे लोगों को अनाउंसमेंट करना, तो ये राइटर के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये ग्लिच है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। उस पर पूरा आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। पहले उससे पहले मैं आपको एक बार भारत रत्न जो है अवार्ड के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। आप पहले भी हमने डिस्कस किया है, इस पर बात आई थी। देखिए, भारत रत्न हमारे इंडिया का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले ये इंस्टीट्यूट हुआ था 1954 में, इसलिए हुआ था ताकि हम अपने कंट्री के अंदर जो भी सर्विस देते हैं लोग हाईएस्ट ऑनर पे, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी रेस, एनी ऑक्यूपेशन, एनी पोजीशन और एनी सेक्स, इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि लोग जो हमारे इंडिया के अंदर रहने वाले जो ह्यूमन एंडेवर को बढ़ाते हैं, यानी एनी फील्ड ऑफ लोग जो है किसी भी फील्ड में रह के अपने देश को बरकत करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको रिवॉर्ड देने का एक फॉर्म है। लेकिन इसमें कुछ वो है, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ क्राइटेरिया इन्होंने रख रखा है कि मेनली किसको दिया जाता है, जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस वाले को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन 2011 के बाद से गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया कि भैया इसको पर्टिकुलरली इन 4 फील्ड में ना रखकर एनी फील्ड के अंदर भी आप रख दो जो ह्यूमन एंडेवर को बढ़ाता है ना, चेंज किया गया। अगर हम पहले फर्स्ट रिसिप्टेंस की बात करें तो भारत रत्न पहली बार जो है सी राजगोपालाचार्य जी को मिला, सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी को मिला, CV रमन जी को मिला 1954 में, इन तीनों को 1954 में मिला था, ठीक है। और भी लोगों को अभी रिसेंटली मिला है, ठीक है, उसके बारे में हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और पहली बात जो है, भारत रत्न ज़रूरी नहीं है कि ये हर साल दिया जाए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, गैप होके भी मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही दिया जाए, नॉन सिटीजन्स भी हैं, जैसे मदर टेरेसा जी हैं, इसके अलावा आपके जो है गफ्फर खान हैं, नेल्सन मंडेला जी हैं, 1990 में मिला था उन्हें, ठीक है। और इसके अलावा जो है
है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इस तरीके से अवार्ड दिया जाए, बिल्कुल मेंशन नहीं है। और लेकिन ये आर्टिकल 18 क्लॉज 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आर्टिकल 18 क्लॉज 1 जो है ये टाइटल्स को अबॉलिश करता है, लेकिन पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब चीज़ें जो हैं आर्टिकल 18(1) के अकॉर्डिंग जो टाइटल्स हैं उसके अंडर में ये कैरी नहीं करता है। ठीक है, आप ये हो गए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भारत रत्न की। तो चलो आर्टिकल पे अब चलते हैं क्या है। देखिए राइटर पूरा पूरा जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भैया जो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है भारत रत्न, पिछले 10 साल के टेन्योर में पीएम को कहीं नहीं लगा किसी को देना चाहिए, और अचानक से देने का मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्शंस को जो है इम्पॉर्टेंट रन अप बढ़ाने के लिए है, इन्फ्लुएंस करने के लिए, और पोलिटाइजेशन ऑफ बैलेंटेंट करने के लिए तरीका है ये। ठीक है, राइटर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है 5 नाम पिछले वीक जो है लास्ट मंथ के 5 नाम अनाउंस हुए थे, जैसे कपूरी ठाकुर जी हैं। ये कपूरी ठाकुर जी के, देखिए ये तो एक नो डाउट ये आर्टिकल थोड़ा सा जो है क्रिटिसाइज बेस्ड है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है कुछ पर्सनालिटीज इसमें हैं जिन्होंने जेन्यूनली बहुत अच्छा काम किया है सोसाइटी के लिए। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी है ना, ये हैं यहाँ के रहने वाले, आई थिंक मैं भूल गई, बिहार से रहने वाले थे ये, और ये सीएम थे बिहार के। ठीक है, और इन्होंने जो है बहुत ही अमेंडस काम किया है सोशली, जो पुअर ऑप्रेस्ड और एक्सप्लॉयड जो सोसाइटी है वहाँ पर इन्होंने काम किया है, उन्हें देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है लाल कृष्ण अडवाणी जी को दिया है, चरण सिंह जी को दिया है, इसके अलावा पी नरसिम्हा राव जो पीएम रहे हुए हैं, एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है, तो राइटर ऐसा बता रहे हैं कि अगर इनको देना था, इनको आपको लग रहा है कि वर्थी हैं, इन्हें देना चाहिए, तो आपने फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ मोदी गवर्नमेंट जब 2015 में बना था आपका आया था तो तब अनाउंस क्यों नहीं किया, जबकि ये सारे अचीवमेंट्स इनके तो बहुत पहले के हैं, ये सब तो है ना, इनके नाम तो पहले ही आ जाना चाहिए। और चलो पहले भी नहीं तो अभी जो रिपब्लिक गया है आपका रिसेंटली 26 जनवरी 2024, आपने उसमें भी अनाउंस नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके जो राइटर हैं, हाँ राइटर जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला कि देखिए बहुत सारे नाम जो हैं अभी और भी हो सकते हैं लिस्ट में, जैसे बीजू पटनायक हैं, एनटी रामाराव, तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप पॉलिटिशियंस को दे रहे हो तो इन लोगों को नाम क्यों नहीं दिया, जैसे बीजू रामाराम, एनटी राम, एचडी देवगौड़ा, ठीक है, इन लोगों क्यों नहीं दिया, जय जयललिता जी हैं इनके, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये तो फिर भी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर आप अनाउंस कर रहे हो तो इन लोगों के भी तो पोटेंशियल है इन चीज़ों को रिसीव करने के लिए। ये कैसा ताना कस रहे हैं राइटर गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया कि देखिए नेमिंग नरसिम्हा राव जो है ये पहली बात, इनको जो अनाउंस किया था वो 2020, अब जैसे इन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को अभी आपने अनाउंस किया जबकि अभी 2021 में उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, आपने उस समय भी नहीं किया जबकि बर्थ एनिवर्सरी में तेलंगाना स्टेट ने उनके लेजिस्लेशन में जो है इनके लिए ये बोला गया था कि ये अभी तक के एक बहुत बड़े टॉलिस्ट पॉलिटिशियन लीडर हैं जिन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा एक स्टेज या अपॉर्चुनिटिज्म के फॉर्म में एक आगे लेके गए हैं, क्योंकि नरसिम्हा राव जो हैं तेलंगाना, मतलब वैसे तो आंध्रा से थे लेकिन वो तेलंगाना में बढ़ गया तो वहाँ से रहने वाले। तो राइटर ये कह रहे हैं कि आपको तब भी करना चाहिए था, तब भी आपने कुछ नहीं किया, तो अचानक से कैसे। तो इन्होंने कहा कि फिर इसके अलावा ये कह रहे हैं कि मिस्टर कर्पूरी ठाकुर, चरण सिंह, अब ये अचानक से ये कैसे हुआ कि आप इन लोगों को पर्टिकुलरली सेलेक्ट करके दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं राइटर जो बार बार कह रहे हैं ये इलेक्शन की वजह से हैं। ठीक है, तो राइटर एक और चीज़ बोल रहे हैं, देखिए राइटर बोल रहे हैं कि इंडिया में पीएम्स को इस तरीके से अवार्ड देना पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है, पहली बार जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड देना दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न का अवार्ड पीएम किसके द्वारा दिया गया था, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी जी ने भी, जैसे उन्होंने कहा कि अगर हम जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया था, फर्स्ट पीएम थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी थी, उनको बांग्लादेश की वजह से दिया था कि उन्होंने क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश किया था, नरसिम्हा राव को उस समय नहीं दिया गया था। ठीक है, राजीव गांधी को उस समय रिचली डिजर्व ऑनर था, ठीक, लेकिन नहीं दिया गया राजीव गांधी के द्वारा नरसिम्हा राव जी को। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बने थे, इट वाज राव पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ इंडियन इकोनॉमी टर्नआउट, क्योंकि इन्होंने, इनका राइटर का कहना है कि जो नरसिम्हा राव जी हैं वो पहले ही डिजर्व करते थे लेकिन उस समय नहीं दिया क्योंकि उन लोगों ने बहुत इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया।
देखिए 1990 में जब हम एलपीजी को अडॉप्ट कर रहे थे ना, जब हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस कर रही थी, उस समय फिनेंस मिनिस्टर हमारे जो है मनमोहन सिंह जी थे और प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरसिम्हा राव, तो उन्होंने एग्री करने के बाद ही तो इतना बड़ा ग्रुप चेंज आया ना ग्लोबलाइजेशन का। तो उस समय उन जैसा चीज़ों का ऑनर नहीं किया है, ठीक है, तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और उन्हें 1991 के बाद से अभी 33 साल हो चुके हैं इस चीज़ को वेट करते करते, अब जाके इन्होंने दिया है, ठीक है। खैर, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि नरसिम्हा राव ही पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अवार्ड देने का सोचा। नरसिम्हा राव ने अपने ड्यूरेशन में जेआरडी रत्न जी को 1992 में अवार्ड दिया था, और जबकि जेआरडी जी ने, वो इकलौते ऐसे नहीं है जिन्होंने इंडिया के बिजनेस में बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इवन इन्होंने जो है बॉम्बे से लेकर न्यू दिल्ली को कनेक्ट करने में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, लिबरलाइजेशन को बढ़ाने में भी राव जी ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है, इंडस्ट्रियलिस्ट को सिग्निफिकेंट करके, इनको बढ़ावा देकर, ठीक है। इसके अलावा राइटर बता रहे हैं कि राव जी के लिस्ट में ना मौलाना आज़ाद जी भी थे, सत्याजीत जी भी थे उनको अवार्ड देने के लिए, ठीक है। तो राइटर इस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपने इतने बड़े लेजेंड को 33 साल तक वेट करवाया। खैर, आगे जो है अब ये है कि भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, वो इंडिविजुअली सेलेक्ट करते हैं, कर सकते हैं कि किसको देना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, देखिए एक प्रोसेस चलता है, इसमें क्या होता है, प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास पावर है कि वो अपने इंडिविजुअली नाम को सकते हैं, इसके लिए कमेटी होती है, वो कमेटी को नाम देते हैं, उसके बाद ये ओवरऑल जो नाम लिस्ट होती है वो कमेटी जो है आपके पीएम के अप्रूवल के पास भेजी जाती है, पीएम के अप्रूवल के बाद जो है वो प्राइम प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेम पब्लिक में आता है कि भैया कि किस किस को नॉमिनेट किया गया है, ये प्रॉपर चैनल के द्वारा होता है, ठीक। तो इसी तरीके से जो है अब राइटर ये बता रहे हैं कि देखिए हाईएस्ट ऑनर जो है, सबसे पहले अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात करोगे कि किसको मिला था, तो सबसे पहले ये दिया गया था प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट जो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, 1955 में इन्होंने पीएम नेहरू जी को दिया था, ठीक है। लेकिन राइटर इसमें भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज ये कर रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को देने के लिए तब तक वेट करना पड़ा जब तक उन्हें पीएम प्रेसिडेंट नहीं बना दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं राइटर ये क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को जो ऑनर मिला था ना, वो किसके थ्रू मिला था, वो प्रेसिडेंट के थ्रू मिला था, लेकिन उस प्रेसिडेंट को अपॉइंटी किसने किया, वो किया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि प्राइम जो पॉलिटिकल, मतलब ये पूरा पॉलिटिकल पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग खुद ही अपने लोगों को अपॉइंट करना और फिर उन्हीं के थ्रू करवाना कि हमें भारत रत्न का ऑनर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लेकिन नेहरू जी का ये बता रहे हैं कि देखिए इन्होंने एक अच्छा काम जो इन्होंने ये किया, नेहरू जी ने अपने टर्म पे कि सी राजगोपालाचार्य जी हैं उन्हें इन्होंने वो दिया भारत रत्न का अवार्ड। इसके अलावा फिजिसिस्ट थे सी वी रमन जी, उनको दिया। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियर थे, इसके अलावा इंडोलॉजिस्ट पी वी काने जी को दिया। इसके अलावा सोशल रिफॉर्मर फाइटर फॉर वुमेन राइट्स के लिए डी जी कार्वे जी को दिया। गांधीयन पी डी टेंडन जी को दिया। फिलोसफी एस राधाकृष्णन जी को भी दिया गया था। तो राइटर इसका थोड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं नेहरू जी के टर्म में कि इन लोगों ने जो वो कैंडिडेट डिजर्व करते हैं उनको देना, क्योंकि देखिए पहले भी ये था, क्योंकि 2011 के बाद ही तो ये अनाउंस हुआ है ना कि भैया आप एनी फील्ड में दे सकते हो। उससे पहले तो ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ जो है आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस में देने वाले जिन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उन्हीं को देना है। तो राइटर पॉलिटिकली देने वाली चीज़ों को थोड़ा सा जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि पहला जो पॉलिटिकल ऑनर जिस पे किया गया था, पहला ऐसा केस जहाँ पे पॉलिटिकली नॉमिनेशन हो रहा था और लोगों ने उसमें आंखें उठाई, यानी लोगों को क्वेश्चन मार्क था कि इनको कैसा मिला, वो नाम था बाय इंदिरा गांधी 1975। किसको दिया गया था, वीवी गिरी जी को दिया गया था। तो तब ये क्वेश्चन था कि इन्हें कैसे मिला, ठीक है। तो उन 10, जैसे हर साल कम से कम 10 नाम अगर आते भी हैं तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट ये उठे थे कि इन 10 में वीवी गिरी जी को कैसे प्रेजेंट दिया गया, प्रेसिडेंट थे उस समय वीवी गिरी जी। तो कहीं ना कहीं राइटर ये कह रहे हैं कि देखिए ये आधे ज्यादा जेन्यून लोगों को मिलना चाहिए, रेदर देन पॉलिटिकली क्या करते हैं लोग, अपने पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा
प्रेफरेंस देखे, अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा देते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं। देखिए ये सब चीज़ें राइटर इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि अभी जो है इस गवर्नमेंट ने अभी अपने कुछ पार्टीज़ के लोगों को, है ना, बहुत सारे लोगों को, अपने नोन में बहुत सारे लोगों को दिया है। तो राइटर ये बता रहे हैं कि पहली बार नहीं हो रहा है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लोगों को इलेक्शन से पहले दिया जा रहा है। तो राइटर पहले की हिस्ट्री भी बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें पहले भी होती आ रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखिए भारत रत्न जो है पहली बार अगर ऑनर किया गया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे प्योरली पॉलिटिकल कब हुआ भारत रत्न, तो वो बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे उन्होंने अपने एक प्रेसिडेंट यानी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे मिस्टर के कामराज, उनको दिया, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि उस समय तो बिल्कुल ही पॉलिटिकल ही था। देखिए राइटर ये भी बोल रहे हैं कि कोई इसमें संदेह या डाउट नहीं है कि कामराजर जो है बहुत ही बढ़िया पॉलिटिशियन थे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छा ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन उन्होंने कंट्री से ज़्यादा अपने पार्टी को किया है। तो इस वजह से राइटर थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी उन लोगों को ज़्यादा दिया है जो इन लोगों ने उनकी पार्टी को प्रेस किया है, ठीक। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी ने जो दिया है उसके अलावा उन्हीं के टाइम पर उन्होंने मदर तेरेसा को दिया, गांधी नचारे विनोबा भावे जी को दिया। इसके अलावा राजीव गांधी का टाइम जब टेन्योर आया तो उन्होंने MGR रामचंद्रन को दिया। तो राइटर इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे, तो ये तो और पॉलिटिकली हो गया, मतलब ये जिस पार्टी की तरफ से इन्फ्लुएंस थे उन लीडर्स को दिया है। लेकिन एक बात बोलूं, पर्सनली देखिए नो डाउट राइटर इस पे जो पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देख रहे हैं वो चीज़ सही है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है तब आप दे रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप के कामराजर जो MG रामचंद्रन जी जो है इनका नाम लिया है, ये दोनों ही जो है तमिलनाडु के CM रहे हैं, लेकिन आप इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आज हम इंडिया के अंदर जो मिड डे मील आप पूरे स्कूल में देख रहे हो ना, उसका सबसे पहले नींव जो है के कामराजर जी ने ही रखा था। सबसे पहले कब, 1955 में ही तमिलनाडु के अंदर उन्होंने पूरी, ये पहले CM थे तमिलनाडु के, इंडिपेंडेंट तमिलनाडु के, तो उस समय इन्होंने अनाउंस किया था कि पूरे भारत पूरे तमिलनाडु में जो है फ्री मिल दिया जाएगा। और MG रामचंद्र 1980s के आसपास CM बने थे। ये एक एक्टर भी थे जिन पे जो कंगना है उन्होंने मूवी भी बनाई थी जयललिता पे, जो MG रामचंद्रन का कैरेक्टर निभाया था अरविंद जी ने, वो इन्हीं कैरेक्टर पे था, ठीक है। कि तमिलनाडु के MG रामचंद्र जो है तमिलनाडु के ये पहले CM थे जो एक्चुअली एक्टर थे, यानी हीरो थे, ये हीरो के बाद पॉलिटिशियन में ये शिफ्ट हुए थे, ठीक है। तो ये MG रामचंद्रन ये पहले ऐसे थे जिन्होंने मिड डे मील में भी वैरायटी लेके आए, फॉर एग्जांपल जैसे अंडा एग देना, ठीक है, न्यूट्रिशन पे फोकस करना। उसके बाद से जैसे अगर आप आज भी देखोगे ना तो इनके डे वाइज हर डे अंडा मिलता है तमिलनाडु के मिड डे मील में। देखोगे तो आपको मंडे से लेकर आपके सैटरडे तक जब तक स्कूल चलते हैं मिड डे मील में एग्स मिलते हैं, उसमें भी वैरायटीज एग है बहुत सारा, आप मेन्यू निकाल के देखिएगा तो डिफरेंशिएट है। तो हर नो डाउट ये पॉलिटिकली है, लेकिन लोगों तक वेलफेयर पहुंचाना सरकार का ही काम है। तो खैर अच्छा काम किया, काफी चीजें नई चीजें लेके आए हैं, ठीक है। इसके अलावा तो राइटर यही बता रहे हैं कि जो मोदी जी हैं जो है ये पहले PM नहीं है जिन्होंने भारत रत्न को पॉलिटिशियंस को ज़्यादा देने में काम किया है, इससे पहले भी काम किए गए हैं। लेकिन अटल बिहारी जी हैं और राव जी यानी नरसिम्हा जो राव जी हैं, इन दोनों को मानना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अपने टेन्योर में पॉलिटिकली लोगों को अवार्ड देने से कहीं ना कहीं बचा है या इग्नोर किया है। इन्होंने अपने टाइम पर वाजपेयी जी ने जो है MS सुब्बलक्ष्मी जी को, CS जी को, जयप्रकाश नारायण को, अमर्त्य सेन जी को, गोपीनाथ बारदोली जी को, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर जी, उत्सव बिस्मिल्ला खान जी को, इन लोगों को दिया है। सेम ऐसे ही मनमोहन सिंह जी ने अपने टाइम पे भीमसेन जोशी, सचिन तेंदुलकर, साइंटिस्ट CN राव जी को दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है अगर हम बात करें जैसे चंद्रशेखर जी हैं जो PM थे, थोड़े कम टाइम के लिए इंडिया में PM थे, उन्होंने BR अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे नॉमिनेट किया। तो इन्होंने कहा कि इसके अलावा जो मोरारजी देसाई हैं उनका नाम भी लिया, लेकिन उस समय नेल्सन मंडेले का जो नाम है वो एक ऐसा नाम था, ये किसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा नहीं, ये चंद्रशेखर जी के द्वारा दिया गया था नेल्सन मंडेला का नाम। ये एक ऐसे लोग थे जिन्होंने नॉन इंडियन थे, यानी क्योंकि नेल्सन मंडेला जी को इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने अफ्रीका में रिफॉर्म किया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए, तो इसको अवार्ड ऑनर किया। तो राइटर ये बोल रहे हैं पटेल और अंबेडकर जी हैं, इन्हें बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ा इन्हें ऑनर करने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं राइटर ये कह रहे हैं कि जो असल में डिजर्व करते हैं ना उन्हें इन लोगों ने बहुत लेट दिया है, ठीक है। एज कंपेयर अगर आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखोगे, एज कंपेयर सरकार जो अपने प्रोपागेंडा अपने पॉलिटिकली पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर उन लोगों को ज्यादा देती है जिनसे उनका काम बनने वाला है या जिनसे उनके इलेक्शन में वोटिंग बढ़ने वाली
वाली हैं, ठीक है, रेदर देन जो जेन्यूनली डिजर्व करते हैं. क्योंकि पटेल जी, अम्बेडकर जी, तो आपको भी पता है कितना कितना ग्रेट काम किया है इंडिपेंडेंस के टाइम पे. तो जो ज़्यादा पहले डिजर्व करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो NDA पार्टी हो या UPA पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों में से लेट किया है, ठीक है. तो राइटर यही बता रहे हैं. इसके अलावा और भी नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी जो है, ये भूपेन हजारिका जी, इन्होंने ग्रेट आर्टिस्ट हैं. लेकिन जो आपके कुछ पॉलिटिशियन नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी जो है, इन पे थोड़ा सा क्वेश्चन है कि इन्हें कैसे दिया गया है. खैर, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी है. देखिए, इसको डायरेक्टली आंसर में मत लिखिएगा, लेकिन आप प्रीलिम्स के हिसाब से तो भारत रत्न को याद रखिएगा, या स्टेट पीसेस के हिसाब से भी क्या है, किसको दिया गया है. लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि सरकार को ये बताने की ज़रूरत है, या फिर ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए सरकार को, कि जो डिजर्व कैंडिडेट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैटर नहीं करता, लेकिन जो डिजर्व कैंडिडेट, जो पहले के लीडर्स हैं, उन्हें लेट देना भी कहीं ना कहीं उनके कामों को इग्नोर करने के बराबर ही है, राइट. कि उन लोगों ने जो अपना काम, अपनी लाइफ पूरी की पूरी जो है, अपने यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंस, अपने देश के लिए निछावर कर दिया है, ठीक. इसके अलावा देखिए, एक आर्टिकल हम देख लेते हैं, इसमें मिस्टर राम महादेव जी ने लिखा है. इसमें देखिए क्या है, पूरी पूरी की तरीके से हमारे इंडियन ओशन रिजाइम के बारे में है. देखिए, जो एंगुस मैडिसन है, ये कौन है, ये एक ब्रिटिशर्स हैं. इन्होंने अपनी बुक वर्ल्ड इकोनॉमी में ना, हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक 2003 में ये बताया है कि जब से 10th सेंचुरी के बाद से, मिलेनियल यानी 10th सेंचुरी के बाद से, 11th सेंचुरी, मतलब क्योंकि 9th BC के बाद से 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, सेंचुरी शुरू हो गए, तो उन्होंने कहा मिलेनियम के बाद से ना, इंडिया पूरे ग्लोब में 33% शेयर लिया हुआ एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री था उस समय से, ठीक है. लेकिन ब्रिटिश एरा के वजह से, जब 18th-19th सेंचुरी तक आते आते उनके कॉलोनाइजेशन के वजह से क्या हुआ, इंडिया का जो ग्रोथ है वो डाउन होता चला गया, ठीक. ये ऐसा इनका कहना है, इन्होंने अपनी बुक में मेंशन करी है. इन्होंने कहा है, देखिए, इंडिया जो है पहला ऐसा कंट्री था जो मिलेनियम में फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी, जो बहुत लार्जेस्ट था, उसके बाद अगर देखिए तो चाइना आया, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है. तो धीरे धीरे, लेकिन क्या हुआ कि इसका जो है लेवल थोड़ा थोड़ा इंडियन के रूलर्स का जो है ओशियन पे अपनी जो पकड़ है वो डाउन होती गई है. देखिए, ओवरऑल इस पूरे आर्टिकल में राइटर ने क्या बताया, इंडियन ओशियंस के एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक इंडियन ओशियंस को किस तरीके से इग्नोर गया है, कि राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि ओशियन किसी भी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको एक वर्ल्ड ग्लोबल पे पावरफुल कंट्री रिप्रेजेंट करने के लिए. और जिसको इंडिया ने इतना बड़ा नेचर यानी पेनिनसुला जैसे कैरेक्टर इंडिया के पास होने के बावजूद भी उसको बहुत ही लाइट लिया है, चाहे वो अपने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हो या फिर आपका जो है पहले से एंशियंट टाइम के लीडर्स हो उनमें भी, ठीक है. तो देख लेते हैं क्या बताया. देखिए, इन्होंने बताया कि एक ना एम्परर थे सुलेमान, ओटोमन के एम्परर थे सुलेमान, उन्होंने ना हैदरुद्दीन बारबोसर एडमिरल में इन्होंने एक कोट किया था, हु रूल्स द सी विल शॉर्टली रूल द लैंड, मतलब जो समुद्र पे राज करेगा वो ही भूमि पे राज करेगा, ठीक है. तो राइटर यही बता रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग अगर हम पहले के टाइम पे हिंदू के बारे में बात करें, जो डोमिनेंट हिंदू रूलर्स थे, उन लोगों ने अपने मर्चेंट और मिलिट्री नेवीज को बहुत ज़्यादा पेनिनसुला में कॉन्कर्ड किया, मतलब उसके बेसिस पे बहुत स्ट्रांग रखा है, बहुत सारे लोगों को कॉन्कर्ड किया है, ठीक है. और धीरे धीरे क्या है, इन्होंने अपने अरब लैंड्स में वेस्ट की तरफ और साउथ चाइना सी टेरिटरीज और मलयन पेनिनसुला जो है, जिसको हम इंडोनेशिया वगैरह साउथ ईस्ट कंट्रीज बोलते हैं, उन पे अपने आप को पहुंचाया. ये बात सच है, ठीक है, पहले के टाइम पे. अगर हम बात करें राइटर के अकॉर्डिंग, अगर आप अर्लियर सी ट्रेडर्स की बात करोगे, जिसे मनगिराम चटीज थे, मनगिराम चटीज जिनको बोलते हैं या चटियार बोलते हैं सदर्न के टाइम, सदर्न इंडिया में, वो हो गए, नंदीज हो गए, लेटर साउथ इंडियंस के जो किंग हैं जैसे आंध्राज है, पल्लवाज है, चोलाज है, इन लोगों ने क्या किया था, अपने टाइम रूलर पे ओशियंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, कि ओशियंस पे अपने नेवल्स रखना, वहां से ट्रेड रूट को लेके जाना अपने टाइम पे. तो है ना, राइटर इस चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि पुराने लोगों ने किस तरीके से ट्रेड का यूज किया है, ओशियंस को कितना पावरफुली यूज किया है अपने रूलर के टाइम पे, ठीक. इसी चीज को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा गया है कि है ना, कि जो कोई भी राजा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा है 4th सेंचुरी BC में किस तरीके से वहाँ के जो एम्परर हैं वो अपने मैरीटाइम एक्टिविटी को कितना ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, उसके लिए एक अलग से कमिश्नर होता था, हार्बर मास्टर्स होता था. तो इसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी हाईलाइट किया गया है कि मैरीटाइम कितना इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है. द बोर्ड ऑफ शिपिंग वॉज वन ऑफ द 6th इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द मौर्य एम्पायर. अगर आप मौर्य एम्पायर की बात करोगे तो बोर्ड ऑफ शिपिंग जो है एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था, ठीक.
उस समय के एक चाइनीज ट्रैवलर थे फा हेन, जो 415 AD के अंदर आए थे इंडिया. तो उन्होंने, इंडिया नहीं आए थे उस समय, वो ट्रैवल कर रहे थे इंडियन ओशन से. तो उनकी जो शिप थी ना, वो सिलोन यानी आज के श्रीलंका से लेकर श्री विजया यानी आपका जो है इंडोनेशिया में जा रहा था. तो उस समय उन्होंने ट्रैवल किया, तो उन्होंने कहा उसमें कम से कम 200 मर्चेंट थे जो ब्राह्मण्स के रीजन से थे, ठीक है, मतलब वो इंडियंस ही थे. तो इस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये लोग सी रूट का यूज़ करते थे, ठीक है. इसके अलावा इन्होंने बोला है कि राइटर बता रहे हैं इंडियन इकोनॉमी जो डिक्लाइन हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि नेवल पावर को जो है बहुत ज़्यादा लाइटली लिया है, ठीक. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप और पोर्चुगीज को देखोगे, डच और फ्रेंच को देखोगे, जब वो यहाँ कॉन्कर्ड, सी को कॉन्कर्ड करके जब वो अफ्रीका की तरफ से इंडिया तक पहुँच गए, तो उन्होंने अपने आप को बहुत पावरफुल अनाउंस किया था पूरे ग्लोब में. फॉर एग्जांपल जैसे पोर्चुगीज़ हैं, सबसे पहले इंडिया में कौन आया था, पोर्चुगीज़ आए थे, है ना. तो पोर्चुगीज़ अपने आप को लॉर्ड ऑफ सी कहते हैं, जबकि आए कब थे, 14th century में. आप सोचो 4th-5th BC में तो हमारे जो राजा थे, जो हमारे चोलास थे, पांड्यास थे, या आध्यास थे, आंध्रास थे, चेटियार्स थे, उन लोगों ने तो पहले ही 4th-5th BC से पहले ही ये काम कर लिया था. मतलब सेंचुरी के शुरू होने से पहले ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था सी रूट पे. तो राइटर यही बोल रहे हैं कि हमने ना कहीं सी रूट पे अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा है, हमारे अपनी इम्पोर्टेंस को हमने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है अपनी चीज़ों को लेकर. देखिए इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जब ये पोर्चुगीज आए थे वेस्ट की कोस्ट पे, तो इन्होंने किसका, इससे इनका कांटेक्ट हुआ था केरला के जमोरिन से, है ना. तो उन्होंने पहले इनको रिस्पॉन्ड दिया, उसके बाद मराठास से इनका वो हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन पोर्चुगीज ने किया बॉम्बे से लेकर कालीकट तक कम से कम 3 सेंचुरी तक अपने आप को रूल किया, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इंडिया की बदनसीब बता रहे हैं राइटर कि ब्रिटिशर्स ने भी कभी भी ब्लू वाटर प्रेजेंस को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है. ऑब्वियस है क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स जब अपने इंडिया में आए थे, रूल कर रहे थे, वो सिर्फ अपना ही फायदा देख रहे थे, ना कि इंडिया का डेवलपमेंट उनका मोटिव नहीं था. और वो अगर ओशन से ट्रेड भी कर रहे थे तो वो उसी लेवल का अपना इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे या ट्रेडर्स को बढ़ा रहे थे, जितना फायदा उनको हो सके, राइट. तो वही है. तो इंडिया ने बताया, तो राइटर यही बता रहे कि देखिए इंडिया का 19th century में भी देखो तो इंडिया का जो साइज है, जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा नेवी का जो है उनकी जो पॉलिसी है वो इतनी बड़ी नहीं थी, ठीक है. लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो सी लेन है, सी को उतना ही इंपॉर्टेंस रखा, क्योंकि उन्हें क्या होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के टाइम पे यहाँ से लोकल सोल्जर्स को लेके जाना होता था, ठीक है. तो उसकी वजह से ही उन्होंने वेसल्स, शिपमेंट्स रखे. और उस समय ब्रिटिशर्स से पहले जब उन्होंने, उनका सेटलमेंट नहीं हुआ था, कॉलोनाइजेशन नहीं बसा था 1754 के बाद से, उससे पहले तक ब्रिटिशर्स ने वेसल्स को इसलिए इंपॉर्टेंस दी थी क्योंकि उन्हें डच से, पोर्चुगीज से, फ्रांस से लड़ना पड़ता था, ठीक है. तो मतलब ओवरऑल उन्होंने अपने ही फायदे के लिए हमेशा से रखा है, ठीक है, ना कि इंडिया के इस चीज के लिए. लेकिन वही है कि इंडिया को ये आज भी अगर आप देखोगे तो मैरीटाइम जो है कहीं ना कहीं लैगर्ड है, कहीं ना कहीं. और मैरीटाइम के अगर कंपटीशन में देखोगे ना तो इंडिया बहुत ही ज्यादा पीछे 15वें नंबर पे रहता है मैरीटाइम शिपिंग में. तो अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास कॉम्पैक्ट वेसल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 200 ही हैं, ठीक है, जबकि अमेरिका के पास 400 वेसल्स हैं, चाइना के पास 500 वेसल्स हैं. तो राइटर यही थोड़ा सा बता रहे हैं कि इंडिया ने कहीं ना कहीं इसको इग्नोर किया है. और हमारे इंडिया के ना एक डिप्लोमेट थे KM पानीकर जी, जिन्होंने चाइना, फ्रांस के एम्बेसडर थे इंडिया के थ्रू, ठीक है. उन्होंने भी इस चीज़ को कंसर्न रेज किया था कि भैया देखिए इंडिया के पास बहुत अच्छा एक नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है, वो है पेनिनसुला. पेनिनसुला यानी एक ऐसा लैंड जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो. आप अपने सदर्न इंडिया के, गुजरात से लेकर आप बांग्लादेश तक आप सदर्न की तरफ पूरा फोकस करोगे तो इधर वेस्ट की तरफ आपका अरेबियन ओशन है, नीचे इंडियन ओशन है, ईस्ट में आपका जो है बे ऑफ बंगाल है. तीनों तरफ से पानी है, जितना आपका 7000 से समथिंग जो है आपका पूरा जो है कोस्टल एरिया कवर करता है लैंड के कंपैरेटिवली. इंडिया का इतना बड़ा एरिया आपका वाटर से कवर करता है तो सोचिए उसके लिए कितनी बड़ी पॉलिसी होनी चाहिए. लेकिन इंडिया की नहीं है, यही थोड़ी सी कमी है, है ना. तो राइटर जो है इसी को, जो आपके पीएम पानीकर जी है, उन्होंने अपने बुक में इंडिया एंड द इंडियन ओशन 1945 में ये बोला था कि इंडिया को अपने मैरीटाइम ट्रैफिक जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि इससे काम करेगा तो वो ग्लोबली अपने आप को प्रेजेंट और अच्छे से कर पाएगा, ठीक है. और अब जैसे इस तरीके से 1997 में ना अफ्रीका के जो लीडर थे नेल्सन मंडेला जी ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे फॉर्मेशन को सपोर्ट किया. उन्होंने इंसिस्ट किया इंडिया को कि इस पर रेस्पॉन्ड करें, इसको ज्वाइन करें और इसको आगे बढ़ाएं. लेकिन इंडिया ने उस समय भी इसको थोड़ा हल्के में ही लिया, और क्योंकि वो उस समय 1997 में वो वेस्टवर्ड ज़्यादा था, यानी अमेरिका डिपेंड ज़्यादा था इंडिया,
ठीक, तो राइटर यही बता रहे हैं, देखिए यूएस, यूरोप जैसे पावर, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे पावर्स को दे लो, वो अपने कोल्ड वॉर हो, वर्ल्ड वॉर हो, या अपना कोल्ड वॉर, कोई भी वॉर हो ना, तो हमेशा से उन्होंने अपने आप को जो है पैसिफिक अटलांटिक रीजन्स में पावरफुल बताया है। मतलब अपने आप को ये लोग किस बेसिस पे डोमिनेंट बताते हैं, अपने रीजन को लेकर, और रीजन कौन सा, पैसिफिक और अटलांटिक को। तो राइटर यही बता रहे हैं, तो भाई आपके पास तो खुद का अब अपना इंडियन ओशन है ना, तो राइटर यही सेम चीज़ एक और चीज़ ये बता रहे हैं कि अब जो ग्लोब का फोकस है ना वो पैसिफिक अटलांटिक से शिफ्ट होकर अब वो पैसिफिक इंडियन हो गया, ये इंडो पैसिफिक हो गया है। तो अब ये टाइम है कि इंडिया को अपने पैसिफिक ओशन के जियो पॉलिटिक्स को कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। इंडियन ओशन जो एक नेचुरल रीजन है और वो 3-3 dozen से ज़्यादा नेशंस का घर है, जैसे पर्शियन गल्फ से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक इतने सारे कंट्रीज़ हैं जिनका कनेक्शन इंडियन ओशन से डायरेक्टली है। ठीक है, ओशन जो कि 74 million square kilometers जो है कवर करता है ये। ठीक, तो इंडिया को अपने ओशन, ये एक इंडिया ओशन जो है इंडिया का एक लाइफ टाइम है, और ये एक लौता एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर ये नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो राइटर को, राइटर इसी चीज़ पर बता रहे हैं कि इसको मैरीटाइम रूट, उसके जो क्रूशल सप्लाई है, मैनेजिंग है, ये कम से कम 70% जो है वर्ल्ड के कंटेनर ट्रैफिक को डील करता है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का अपना खुद का नाम जो है इंडिया पे बेस्ड है, तो इसको काम करने की ज़रूरत है। इसने बहुत सारे अपने जो कल्चर है, अपने जो सिविलाइजेशन है, इसी इंडियन ओशन के थ्रू जो है ग्लोबली स्प्रेड किया है। ठीक, जो कि ये वो इंडियन ओशन है जिसे ब्रिटिशर्स जो है ब्रिटिश लेक के नाम से कहते थे। तो वही है कि अब इंडियन गवर्नमेंट का टाइम आ गया है कि वो अपने आप को इस पर काम करें। और राइटर ये भी बता रहे हैं, देखिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 7th Indian Ocean Conference भी किया। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रिया के पर्थ में ही हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, जो बहुत ही एक अच्छा शानदार इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसमें इसमें इन्होंने बोला कि इन्होंने नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस को एड्रेस किया, जैसे नॉन चैलेंजिंग ट्रेडिशनल चैलेंजेस, यानी आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, ओशन लेवल्स हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गए, सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस हो गए, इन सारे चीज़ों को किसमें देखा गया, इन जो आपका 7th Indian Ocean Conference है। ठीक है, तो वही बात है कि आने वाले टाइम पे राइटर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है इंडियन ओशन को, अब इंडिया को अपने ओशियंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, ये आर्टिकल ऑलरेडी 45 मिनट्स हो गए हैं। तो एक तो आर्टिकल आपका ये सन पे है, एक आर्टिकल आपका डेटा था पॉलीगैमी पे, एक्सप्लेनेशन पेज पे, हम उसको कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू।